आज धरमपेठ परिसरात बांधकाम करण्याकरता रस्त्यावर अवैध साहित्य ठेवणाऱ्यावर मनपा अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली. या कारवाईत पूर्व नगरसेवकाने मनपा अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारला. धरमपेठ परिसर हा व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्वाचा परिसर आहे, मात्र काही नामांकित बिल्डरने बांधकाम साहित्याचं हब बनवलं आहे. हा वर्दळीचा परिसर असून इथून जाणाऱ्या येणाऱ्यांना ट्रॅफिक समस्यांचा सामना करावा लागतो, कारण बिल्डर्स आणि इतर लोकांनी फुटपाथ आणि रस्त्यावर बांधकाम साहित्य ठेवले आहे. अशावेळी पायदळ जाणाऱ्यांनी कुठून जायचं आणि वाहने कशी काढायची असा प्रश्न इथून जाणाऱ्यांसमोर असतो. नागरिकांनी वारंवार याची तक्रार केली असून मनपा अधिकाऱ्यांना जाग येत नसल्याने आज पूर्व नगरसेवक सुनील हिरणवार यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कारवाई का केल्या जात नाही असा जाब विचारला. त्यानंतर येथे मनपा अधिकाऱ्यांनी बांधकाम साहित्य ठेवणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. प्रभाग 15 अंतर्गत आने वाले एरिया जो है सुदामा के पीछे में जो क्षेत्र है यहाँ पे मिल्टन का भी कंस्ट्रक्शन चालू है और दी सुदामा आइकॉनिक इनका भी कंस्ट्रक्शन चालू है. रोड छोटा है और पीछे का परिसर होने के कारण बारंबार मटेरियल डाला जाता है, यहाँ पे आने जाने वाले का न्यूसेंस होता और झगड़ा झंझट होता. इसी क्षेत्र में यहाँ पर झगड़ा होने के कारण लोगों को मारापीटी होती है, हर बार प्रॉब्लम आता है, लोगों की समस्या आती है, स्थानीय लोग परेशान है. यहाँ पे कुछ लोगों के निवास है, यहाँ पे कमर्शियल क्षेत्र हो गया, 2 महीने हो गए जो मटेरियल पड़ा हुआ है कुएं का निकाला हुआ, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं. इसके विषय में भी बारम्बार जोन के सहायक आयुक्त श्री प्रकाश जी वराड़े इनको निवेदन दिया गया, इनको व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज दिया गया और इनको फोन करके कॉल किया गया, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है. नागरिकों की समस्या सुनने के लिए सिर्फ प्रकाश जी वराड़े सहायक आयुक्त जी उनके पास टाइम नहीं है. उनको मैंने बोला है यहाँ पे स्पॉट पे स्पॉट फाइन कीजिए, धर्मपेट पे न्यूशंस हो रहा है, अतिक्रमण बढ़ रहा है, न अतिक्रमण पे ध्यान है, सिर्फ पैसा कमाना पैसा बटोरना ऐसा ही यहाँ के जोन के अधिकारियों का काम चल रहा है. और आम नागरिकों को जो आने वाली दिक्कत हो रही है ये सलाक बाहर पड़ा हुआ है, ये सलाक से अगर कोई गिर जाए तो उसकी जान जा सकती है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन है. आज प्रशासन बैठा है, महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी है. प्रशासन ने लोगों के जो अतिक्रमण बढ़ रहा है, जो न्यूशंस हो रहा है, उसके साथ कार्रवाई करना चाहिए. फाइन लेना हमारा उद्देश्य नहीं है. धर्मपेठ जो अपना एरिया है WHC रोड है, WHC रोड में अनेक प्रकार का अभी देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन चालू है, कंस्ट्रक्शन का मैक्सिमम मटेरियल बाहर पड़ा रहता. यहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद में इतनी अव्यवस्था हो जाती है, मतलब ट्रैफिक की, यहाँ पे आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, यानी आप 4-व्हीलर पास ही नहीं कर सकते. अपन देख रहे हैं यहाँ से ज़्यादा 2-500 मीटर पे उप मुख्यमंत्री साहब का घर है, यहाँ पे एक भी अभी तक का एक भी अपना ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे लगाया नहीं है. दूसरा कि धर्मपेठ जोन आता है यहाँ पे, प्रकाश वराड़े यहाँ के असिस्टेंट है, मैंने अनेक बार यहाँ पे कंप्लेंट दिया हूँ, जैसा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है जौहरी वाइंस के बाजू में उसकी कंप्लेंट दिया हूँ, वो सामने में कलर प्लस की दिया हूँ, हल्दीराम की दिया हूँ, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है. मतलब कंप्लेंट आप देते जाइए, प्रकाश वराड़े जो है अपने असिस्टेंट कमिश्नर है ध्यान ही नहीं देते. यानी इतना व्यस्त एरिया है, WHC रोड बोलो तो पूरे नागपुर शहर की जान है और वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, ट्रैफिक से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेशन के अधिकारी से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है. अभी भी आप पीछे देखेंगे तो मंगलवार और शुक्रवार का बाजार लगता है, मैक्सिमम आप 2-व्हीलर यहाँ से डाल नहीं सकते. कार्रवाई चालू है, कुठे कुठे कार्रवाई करता है? जिथं ज्यांच्या मटेरियल वगैरे रोडवर पडलेला राहते त्यांना नोटीस देतो, 2 दिवसाचा वेळ देतो, त्याच्यानंतर जर त्यांनी मटेरियल नाही उचलला तर नियमानुसार त्याच्यावर दंड लावतो आम्ही. सर, हे 2 महिन्यापासून पडलं आहे, किती वर चालन केलं आणि गिट्टी पडली आहे नाही, या 2 महिन्याचा म्हणून राहिले पण त्याच्या तेवढा आमच्याकडे हे नाही, तरी पण आता याला त्वरित नोटीस देऊन राहिले आम्ही, जर यांनी उद्या परवापर्यंत नाही उचलला तर त्याच्यावरही दंडात्मक कारवाई करू. आता आज धर्मपेठ मध्ये किती जागेमध्ये कारवाई केली? आतापर्यंत 2 जागे झाले आहेत. हो.